अरे रे बड़े भैया, रैंकपुर से परेशान। ए देखो, मैंने मेरे को एक नल्ला दिखा, एक गाड़ी लेकर आया। ए इसको मैंने पेल दिया, उतरते ही मजा आ गया। ओए मजा आ गया होगी, आओ तूने मुझे मारा। ए नल्ले बाग, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। हे व्हाट्सअप, तो की हाल चाल, राम राम, सत्याकाल, सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है आपके भाई के चैनल सब्बू गेमर पर। तो यार नॉर्मली यार आपको पता होगा, वैसे जिसको नहीं पता मैं बता रहा हूँ कि भाई जो आपको कॉन्करेंट की फ्रेम जो एकदम बेकार सी टट्टी सी लगती थी वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। फिर भी अपने लिए एकदम न्यू फ्रेम पबजी वालों ने बना ली है। ये क्यों बने पता है? ये आप लोगों की वजह से हुआ, क्योंकि बहुत लोगों ने लाइक स्पैम कर दिया भाई, मतलब ये फ्रेम हमें पसंद नहीं है, कहीं ना कहीं उसके उनके इंस्टाग्राम पे, कहीं ना कहीं उनके डिस्कॉर्ड पे। तो भाई पबजी वालों को या बीजी वालों को कहीं ना कहीं बात जाके पता चली और उसके थोड़ा हमें फ़ायदा हुआ और फाइनली वो फ्रेम चेंज हो गई। तो मेक श्योर आपको मज़ा आएगा ये प्यारी सी फिल्म देख के जो आपने थंबनेल में देख ली होगी। तो देखो यार, नॉर्मली आप लोगों से बहुत दिन हो गए वीडियो भी नहीं बनाया, सो मैंने सोचा यार बहुत दिन हो गए यार आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लाया जाए। सो देखो यार, फाइनली मैं अभी माइनस खा खा के नॉर्मल क्राउंड टू पे आ चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम एस कर लूँ। सो देखो कर पाता हूँ नहीं कर पाता, मेरे को भी नहीं पता, बट देखो मैं ट्राई करूँगा कि एस करने का, क्योंकि नेक्स्ट सीजन भाई मेरे को करना है लीडर बोर्ड होल्ड, और उसके लिए भाई मेरे को कम से कम भाई थोड़ा सा टायर मेंटेन रखना पड़ेगा, ताकि मैं एस या कॉन्करेंट पर रहूँ तो मेरे को एटलीस्ट प्लेटिना 1 या 2 मिल पाए, तो थोड़ा मेरे लिए इजी रहेगा। बिकॉज अब की बार जो मैंने पुश किया था तो भाई कहीं ना कहीं जाकर मैंने प्लेटिना 5 से पुश किया था। तो यार नॉर्मली यार जो मेरे थोड़े से बोल सकते मेरे फेवरेट घर है, तो यहाँ पर मैं कभी कहीं ना कहीं लगभग क्राउन 5 तक मैं यहीं उतरता हूँ। तो ऐसा नहीं कि हर गेम में उतरूँ, बट जब प्लेन पार्किंग क्लोज है तो यहीं उतरता हूँ। तो यहाँ पर एक बाहर से बोर्ड भाई साहब आते तो हम इनको पेल देते। तो यहाँ पर इस गेम में नॉर्मल यार मेरे टोटल टोटल 4 बोट किल होते हैं, तो भाई हो जाते हैं। तो अभी देखो मैंने कैसे किया क्या नहीं किया वो देखते रहना। एंड यार दो गेम ऐसे बोल सकते हो, 2 किल मैंने रियल निकाले। एक हैकर को मैंने मारा था, हाँ मारा था, मतलब वो बैन हो गया तब मैंने मारा था, तो बता दो कैसे मारा था, ठीक है। और एक प्लेयर को जो आपने शायद स्टार्टिंग में देख लिया होगा। तो देखो यहाँ पे नॉर्मली भाई यहाँ पे फिर से मैं उस बोट वोट को मार के आ जाता हूँ, थोड़ा सा बहुत मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे सर्वाइव करने का। एंड सर्वाइव जैसे ही करता हूँ तो काफ़ी टाइम निकल जाता है कि भाई यहाँ पे, एंड मेरे को लूट ठीक टाइम मिलती, ज़्यादा अच्छी भी नहीं बोलूँगा। बिकॉज देखो आपको यार जिस कंडीशन के हिसाब से हैकर लोग आ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो भाई सीधी सब फर्स्ट ऑफ ऑल बात है आपको हीलिंग चाहिए, आपको आपके पास जितनी हीलिंग रहेगी आपको उतना फ़ायदा रहेगा, मेरा मानना है हीलिंग। तो यहाँ पे सेकंड बोर्ड भी मेरा आ जाता है, तो भाई मैं क्या करता हूँ आपका भाई जाके देखो सेकंड बोर्ड भी पेल देता है, मतलब समझ रहे हो, प्रति एक एम चमकाने का अपने अपने भाई का अंदाज ही कुछ अलग है, समझ रहे हो, पूरा फ़ायदा उठाओ। क्योंकि यार एक्सूट नहीं ले सकते, क्या पता कोई फ्यूचर में हमें समझ रहे हो स्पॉन्सर कर दे, बट देखो क्या होता है, अभी इतना हम बने नहीं है कि मतलब समझ रहे हो कि एक्सूट निकाल पाए, क्रेडिट वेड की ओपनिंग कर पाए, क्योंकि यूट्यूब साला इतना ही देता है हमें, समझ रहे हो, वैसे अच्छा देता है, कुछ नहीं मेरे सिम का जियो का रिचार्ज हो जाता है इतना देता है। सो अभी क्या ही बोल सकते, इतनी पेमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार यहाँ पे बोट भाई साहब से हमें M4 मिल चुकी थी, तो यार यहाँ पे फाइनली हमारे 2 किलो गए। थोड़ा वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया कि ये बोट भाई साहब थोड़े हल्के फुल्के और आ चुके थे, तो भाई यहाँ पे मज़े मज़े मेरे 3 किलो हो जाते और बंदे बजते 50। तो भाई अब क्या ही बोलूँ, और ये जैसे लॉबी थी वो दिन की लॉबी थी, ऐसे मैं बोलूँगा नहीं कि नाइट की लॉबी थी, और जो वॉइस ओवर कर रहा हूँ भाई ये वो रात को कर रहा हूँ, और ये भाई देख रहे हो भाई यहाँ पे नॉर्मल मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है थोड़ी सी, क्योंकि यार इतना आपको बताऊँगा ना तो बोले कि भाई ये क्या चल रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा वीडियो की स्पीड बढ़ा दिया। और यहाँ पे थोड़ा सा फायर वायर हो रहा, मतलब बोट पर फायर हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे आके इस बोट को भी मार देता हूँ। एंड फाइनली भाई थोड़ी सी मैं 7 ही लूटता हूँ, तो वो मैंने स्किप कर दिया, एंड 7 ही लूट के अच्छी खासी मेरे को हीलिंग मिल जाती है। कितनों रोल में यार 33 अराउंडिंग मेरे पे बैंडेजेस होती है और कुछ 4 से 5 हेल्थ किट। तो बट मेरा थोड़ा सा ऐसे बोल सकता हूँ मेरा टॉप 10 होने वाला है, इजी इसलिए होने वाला कि दिन की लॉबी थोड़ी सी सब बोलता हूँ हल्की होती है, ऐसे हल्की का मतलब ये भी नहीं है कि भाई उसमें हैकर नहीं होंगे, तो हैकर होते बट नाइट की लॉबी के मुकाबले थोड़े कम होते हैं। हाँ मतलब आपको पता होगा बहुत सारे हैकर बैन भी हुए, तो भाई यहाँ से अपनी वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, बढ़ इसलिए जाती है क्योंकि मैंने बढ़ा दिए, तो बढ़ाना ज़रूरी था, मतलब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। तो यहाँ पे भाई आपका भाई धूम मचाले की स्पीड में एकदम आगे बढ़ता है। और भाई मैं यहाँ यहाँ से मैंने रोटेशन वगैरह लिया, तो आप देख सकते हो कि कैसे मैंने रोटेशन लिया कैसे नहीं लिया, कौन से सर्किल में गया। यहाँ पर नॉर्मली 17 से 15 बंदे बचे थे, तो देखो क्या होता है। तो भाई नॉर्मली यहाँ पर बाइक लेके मैं आ जाता हूँ अपने कहीं ना कहीं जाकर जॉर्ज पुल के आसपास, क्योंकि भाई जॉर्ज पुल बोल सकते हो या आप बोल सकते हो रोजोक वाला ये स्नाइपर टावर, तो यहाँ पे आके मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ, देखो क्या होता है। यहाँ पे आके भाई मैं थोड़ा किल फीड पर भी ध्यान दूँ, हमेशा एक चीज़ याद कर ध्यान दिया करो, किल फीड कौन ज़्यादा किल कर रहा है, ठीक है, उस पर ध्यान दिया करो। और ज़्यादातर हैकरों के नाम ऐसे ही हो गए लाइक समझ रहे हो, जो आप बोल नहीं सकते, गंदे गंदे से नाम हो गए जिनको हम बोल भी नहीं सकते, और हिंदी में ज़्यादातर लिखे होते, तो समझ जाओ वहाँ पे हैकर अगर आसपास भी दिखे तो भाई जितना हो सके उनसे दूर चले जाओ एंड भाई सेफली रहो।
तो भाई यहाँ पे आकर मैं नॉर्मली बैठ चुका था। ज़्यादा सर्किल नहीं बोलूँगा, सर्किल वही अराउंडिंग अराउंडिंग चौथा सर्किल था, चौथा या पाँचवा। अब जैसे पाँचवा सर्किल बनता है तो भाई क्या होता, देखो 15 बंदे 14 बंदे बजे थे और भाई क्या ही बोलूँ। और ये भाई मैट्रिक्स मिल जाता है श्योर करके बंदा दे, एंड भाई क्या ही बोलूँ। तो भाई धीरे धीरे लॉबी पूरी फिनिश होने लगी थी, नॉर्मल 11 बंदे बचे थे, एंड भाई बहुत सारे प्लेयर अभी तक है ना क्राउन वन पे अटक गया। तो भाई उनके लिए यही एडवाइस दूंगा यार, नाइट की लॉबी जितना हो सके उतना मत खेलना भाई, बहुत ही प्यारी लॉबी आती है अराउंडिंग 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक हैकर आते हैं, बट आप जोन के बाहर रहकर भी सर्वाइव कर सकते हो और हीलिंग लगा सकते हो। मैं बोलता हूँ सच बताओ तो 10 हेल्किट या 15 हेल्किट रख लो अगर लूट पाओ, और बाहर बैठे बैठे लगाओ तो, अगर ये अगर लगा पाओ तो भाई बहुत ही, अगर 5-10+ मिलेगा गेम में तो भी इनफ है मेरे हिसाब से। देखो अब क्या होगा भाई, जोन में जाकर हैकर से मरने से बेटर है कि मेरे हिसाब से भाई जोन में ही मर जाओ। टॉप 10 आपका जोन में हो सकता है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे सर्वाइव करते हो। तो सबसे इजी तरीका था, तो यहाँ से नॉर्मली यार मैं बग्गी लेके निकल जाता हूँ उस बंदे को मारने के बाद। अगर आपने देखा होगा तो लास्ट में जो बंदा पहला था तो भाई वो कतई मेरे ऊपर चढ़ रहा था, तो आपके भाई ने उसे आराम से पेल दिया, एंड देखो क्या सीन शॉट होता है। यहाँ पे देखा जाए तो नॉर्मली एक हैकर आगे अभी थोड़ी देर आपने देखा होगा, तो भाई एक नॉर्मली हैकर वगैरह बैन होगा। सो देखो क्या होता है, वो कैसे बैन होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुकता हूँ क्योंकि जो पीछे वाला बंदा तो मेरे पे फायर ले रहा था, मैं अगर वहाँ पे रुकता तो मेरी कहीं ना कहीं पैटी बन जाती और मैं उस बंदे को इग्नोर कर देता हूँ। बिकॉज़ यार कभी कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि बंदा उतर जाता है और आप उतर के फायर दोगे तो भाई तब तक बंदा पिल आपको पेल देगा। तो भाई कभी भी कोई बंदा गाड़ी से उतर चुका तो भाई उसके सामने आपको गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसके उसका एम आपके ऊपर सीधा होगा। और जो भी अभी कंडीशन चल रही है उसमें भाई कोई पता नहीं चलता कौन लीजिट प्लेयर है और कौन हैकर है। तो यहाँ पर आकर देखो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा वेट करता हूँ क्योंकि यार, और जैसे देखता हूँ भाई एम नाम का बंदा यहाँ पे बैन हुआ है। तो ज़्यादातर हैकर होता है भाई सेंटर में, तो मैंने एक जस्ट गेस लगाया ऐसे बोल सकते हो आप, बट जस्ट मैं वहाँ पे गया एंड मेरे को एकदम शौक हो गया, मैं हल्का सा पैनिक भी हुआ था वहाँ पे। तो भाई यहाँ पे जैसे बैन हुआ तो मैं निकल गया भाई, मैंने बोला शायद ये एक ही हैकर था, शायद ये बैन हो गया। तो देखो मैं क्या करता हूँ भाई, मैंने बोला चलो जहाँ पे भी बैन हुआ बट मैं होल्ड करता हूँ भाई, जाके सेंटर पकड़ लेता हूँ, क्योंकि हैकरों की डर से लोग सेंटर नहीं पकड़ते, क्योंकि नॉर्मल लोगों का मानना होता है कि सेंटर में हैकर होगा। तो नॉर्मल भाई साहब आपका भाई यहाँ पे बग्गी लेके आ जाता, थोड़ा सा पैनिक भी होता, बट ये याद रखना लास्ट सर्किल में कभी भी ओपन में कुछ भी दिखे, किसी भी क्रेट या किसी को बंदे को भी मारो, उसकी क्रेट कभी लूटने नहीं जानी। तो भाई यहाँ पे देखो ये लेफ्ट वाला गेट खुला था तो मेरे को लगा शायद यहाँ पे बंदा हो सकता है, फिर देखो अगर भाई क्या करता है अंदर जैसे ही घुसता है भाई जहाँ पे भाई बैठा रहता है ये हैकर एम नाम वाला। तो मैंने एक अंदाज लगाया था, तो मेरे को नहीं, मेरे को एक प्लेयर के लिए कहा था ये लीजेंड प्लेयर है, बट ऐसे ही इसका मोमेंट कुछ हो नहीं जाता तो भाई आपके भाई को पता चल गया ना, आपके भाई ने पेल दिया। अब देखो मेरे साथ क्या सीन शॉट होता है, सामने मेरे को बग्गी दिखती है एंड आपका भाई करता है सिंगल टैप फायर, समझ रहे हो, एकदम प्रो वाली फीलिंग के साथ। तो भाई ये मेरी यहाँ पे गलती थी, बिकॉज मैंने सोचा कि भाई ये एक ही हैकर था एंड पिल गया, अच्छी बात है। एंड भाई ये मेरे साथ क्या होता देखना, तो वो भाई डैमेज ही नहीं हो रहा था, ब्रिज के पीछे था एंड भाई आपका भाई फिर भी उसे पेलम पाली कर रहा था, एंड तब तक आपके भाई को एकदम प्यारा शॉट आता है, समझ रहे हो, एकदम लवली वाला शॉट, एंड आपका भाई मर जाता है। सो #4 पे आया, मैं ज़्यादा प्लस तो वहाँ पे मिला नहीं मेरे को, एंड मेरे को पता नहीं बंदा हैकर था या नहीं, लग रहा था लीजिट प्लेयर है, मैं श्योर नहीं हूँ हैकर क्योंकि मैं किसी को भी हैकर नहीं बोल सकता, सो शायद ये लीजिट प्लेयर हो सका है, बट फिर भी ये बंदा अच्छा खेल रहा था एंड भाई इसका AWM का शॉट OP था, सो क्या ही बोल सकते हैं। और ज़रूर कमेंट करके बता कौन सा टायर चलता है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, रोज लो मोज ला, ना मिले तो खोज लो, बाय बाय।